तो चलिए फिजिक्स चैप्टर टू का अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, स्थिर विद्युत आवरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो एक चालक लिए, चालक ए लिए, जिस पर क्या है, पूरे चालक में पॉजिटिव आवेश है। इसके अंदर एक हम लोग एक गोलीय क्या है, एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ भी आवेश नहीं है। तो हम लोग जो कल्पना करते हैं चालक के अंदर, जो गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्योंकि इस पृष्ठ ये क्या है, गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मीन्स आवेश नहीं है। तो अगर क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये पूरे ये क्या होगा, फ्लक्स का मान जीरो हो जाएगा। मीन्स अगर कोई चालक है और उसके अंदर कोई खोल या फिर एक पृष्ठ लेते हैं, तो उसके जो क्या है संपूर्ण है उसमें विद्युत फ्लक्स होता है, उसका मान जीरो होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग क्या है, जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, तो ऊपर में क्या करते हैं, सील्ड करते हैं। सील्ड मीन्स एक लोहे का छड़ लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कभी भी अगर आंधी तूफान आता है, लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, तो वो जो क्या बोलते हैं, लाइटनिंग होती है, तो उसमें जो गिरता है, अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं उसको, पराबैंगनी किरणें, तो वो जो है बहुत चार्ज रहता है उसमें, तो क्या होता है उससे टकरा के ना रिटर्न चले जाता है। और एक एग्जांपल, जैसे हम लोग कार में ट्रेवलिंग करते रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग को एक पेड़ के नीचे रुकने के बजाय हम लोग खुले मैदान में रुकते हैं। क्यों? जब वैसे आंधी तूफान में फंस जाते हैं, तो जो बहुत चार्जेबल जो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं पराबैंगनी किरणें जो है गिरती है, तो हम लोग जब कार पे बैठे रहते हैं, तो वो हम लोग के ऊपर ना गिर के डायरेक्ट ग्राउंडिंग हो जाती है। ठीक है, आप देखते हैं परावैद्युत, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक्स, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, मींस उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, लेकिन वो खुद क्या है, जो विद्युत प्रभाव है उसका प्रदर्शन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कागज, मोम, लकड़ी, रबर, ये सब एग्जाम्पल है। ये सब क्या कहलाते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स इक्विपमेंट कहलाते हैं। ठीक है, मींस इसमें से धारा प्रवाहित होती नहीं है, लेकिन इन लोग क्या है, प्रदर्शन करते हैं। किसी भी चीज को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। जैसे कि मोटर है, मोटर के वाइंडिंग को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लोहे से कवर कर देते हैं। तो उसमें से क्या है, जो लोहा है उसमें प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन अंदर क्या है, प्रवाहित होते रहता है। ठीक है, समझ आया? तो आप देख, इसके दो टाइप हैं, ध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत का एग्जाम्पल देखो, पानी या फिर HCl। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश के मॉलिक्यूल मीन्स अणु जो होते हैं, वो आपस में बहुत कम दूरी पर होते हैं, और इसमें जो है विद्युत ध्रुव का मान क्या होता है, शून्य होता है। और इसमें क्या होता है, अध्रुवीय परावैद्युत में जो पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। उसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ भी विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम के इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते हैं। ठीक है, मीन्स हम लोग कोई सा भी इक्विपमेंट है, उसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो जितना सहन कर सकता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग नहीं होते हैं, तो वहां पे क्या, उसको क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मान लो ऐसा होता है कि जैसे लाइट बार बार पावर जो है कम ज्यादा होते रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं उसको। कोई मान लो टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो हम लोग उसको बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कम ज्यादा होते रहेगा अगर पावर, तो क्या है, वो सहन नहीं कर पाएगा और वो क्या होगा, जल जाएगा। इसीलिए क्या होता है, उसको जितना अधिकतम मान मीन्स जितना सहन कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। मीन्स उसकी जितनी कैपेसिटी होती है सहन करने की, वो होती है उसकी सामर्थ्य। ठीक है, अब देखते हैं धारिता, किसी चालक को दिया गया आवेश विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये होता है कैपेसिटेंस। मीन्स ये जो है क्या है, चालक है, क्यों है, आवेश को दिया गया विभव वृद्धि के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती है। ये आवेश है, ये क्या है, विभव है। ठीक है, अगर आवेश का मान बढ़ेगा तो विभव का भी मान बढ़ेगा, अगर आवेश का मान कम होगा तो विभव का भी मान कम होगा, है ना।
तो ये क्या है, आवेश जो है विभव के अनुक्रमानुपाती होती है, तो उसको बोलते हैं धारिता। ठीक है, और अब देखो Q इक्वल टू सी भी हो जाएगा, जहां पे C क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, अगर यहाँ पे विभव V इक्वल टू 1 होता है तो Q इक्वल टू सी होगा, मीन्स अगर विभव का मान अगर एकांक है तो क्या है, वहां की जो आवेश है वो धारिता के बराबर होगी। ठीक है, अब धारिता C इक्वल टू क्या होगा, यहां से अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, मीन्स ये मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो धारिता होती है वो आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि की मात्रा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब देखते हैं गोलीय चालक की धारिता। मान लो एक गोलीय चालक है, ठीक है, ए है, ठीक है, उस पर बाहर में क्या है, सब पर पॉजिटिव आवेश है, किसी भी बिंदु पर ये जो है आवेश जो है पॉजिटिव धनावेश आवेश है। ठीक है, यहां से ये जो है ओरिजिन से आर दूरी पर क्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। ठीक है, तो इस पर जो हम लोग विभव निकालेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव निकालते हैं, तो क्या होता है, विभव भी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर होता है। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं, तो आगे क्या होगा, हम जानते हैं कि सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन भी। ठीक है, यहाँ पे भी का मान दिया है, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बाई आर हो जाएगा। तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर हो जाएगा। मीन्स यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं हम लोग कि सी इज प्रोपोर्शनल टू आर, मीन्स किसी चालक की जो धारिता होगी अगर उसका मान क्या होगा, अधिक होगा, तो उसकी जो चालक की त्रिज्या भी अधिक होगी, और अगर चालक का मान कम होगा, ठीक है, उसकी धारिता जो है कम होगी, तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, कम होगी। मान लो कोई सा भी आवेश है, ठीक है, मीन्स कोई सा भी, एक एग्जांपल लेते हैं, एक मान लो कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है, अगर उसकी जो क्या है, जितनी भी त्रिज्या जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसकी धारिता होगी, जाहिर सी बात है, जितना बड़ा ड्रम होगा उतना ज्यादा पानी आएगा। ठीक है, अब देखते हैं संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र वह युक्ति है जिससे क्या है, उसके आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ी जा सकती है। ठीक है, मीन्स कैपेसिटर, कैपेसिटर अब जैसे कि हम लोग का पंखा क्या है, स्लो घूमने लगता है, बहुत स्लो 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 चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक कैपेसिटर आता है, उसको चेंज करते हैं, तो उसी को ही हम लोग संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, तो उसका क्या होता है, पंखा का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग दो प्लेट लेते हैं, मान लो ए और बी। ठीक है, तो ए प्लेट लेते हैं, ये धनावेशित है, और बी पर क्या है, कोई आवेश, इस प्लेट धनावेश के कारण इस प्लेट बी पर अनावेशित होने से इसके कारण क्या होगा, समीपवर्ती में विपरीत आवेश जबकि दूरवर्ती में समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो यहाँ पे जब प्लस चार्ज है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जबकि दूरवर्ती में क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। यहाँ भी वैसे तो हम लोग यहाँ पे प्लस चार्ज को क्या कर दिए हैं, ग्राउंडिंग कर दिए हैं, समझ आया ना। कैपेसिटर क्या होता है कि उसके आकार या आयतन में परिवर्तन नहीं करते हैं, फिर भी उसकी धारिता जो है बढ़ाई जा सकती है। ठीक, अब देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेटों पर कैसे संधारित्र होता है, उसकी धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसके लिए क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, और जहाँ पे इन दोनों की जो अल्प दूरी है डी है, और इन दोनों प्लेटों के बीच क्या है, हम लोग कागज या अभ्रक कुछ भी रखते हैं, ठीक है, ताकि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टच मत हो। ठीक है, तो अब इसको जो प्लेट एक्स को हम लोग क्या देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो क्या होता है, प्रेरण के कारण ये जो प्लेट वाई है इसमें क्या हो जाता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसको क्या कर देते हैं, हम लोग ग्राउंडिंग कर देते हैं। ठीक है, अब मानते हैं कि ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व एक्स का, जो पृष्ठ आवेश घनत्व है प्लेट एक्स का वो क्या है, सिग्मा है। ठीक है, तो प्लेट वाई का क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो प्लेट एक्स के बाई ओर, मीन्स इस साइड और प्लेट वाई के दाई ओर, इस साइड क्या होगा, विद्युत क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि बाहर में विद्युत क्षेत्र क्या होता है,
शून्य होता है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। लेकिन इस प्लेट के ओनली बाई साइड, इसका इसका दाएं साइड, ठीक है, वहां पे विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे अंदर में तो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये प्लस से माइनस की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो यहाँ पे हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे क्या होगी, E इक्वल टू पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर दोनों प्लेटों के बीच हम लोग विभवांतर निकाले V इक्वल टू, तो E इक्वल टू क्या होगा, अगर विभवांतर हो, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर है, ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू वी अपॉन डी हो जाएगी। विद्युत क्या है, विभवांतर तो होगा, क्यों, दोनों की ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है, तो दोनों के विभवों में अंतर तो आना ही है, ठीक है। तो अगर विभवांतर होगा तो क्या, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इक्वल टू वी अपॉन डी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। यही से जस्ट पक्षांतर कर दिए हैं। अब देखो, इसको समीकरण एक माने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ई का मान क्या है, सिग्मा एप्सिलॉन जीरो के है, सिग्मा एप्सिलॉन जीरो के इंटू डी, डी का डी, ठीक। अब देखो, अब हम लोग जानते हैं पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, जहां पे क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी के में यहाँ पे सिग्मा का मान रखेंगे, सिग्मा का अगर मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू डी हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं संधारित्र की धारिता सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, ठीक है, तो क्यू क्यू का क्यू और वी का मान तो ये है पूरे है, ठीक है, तो वी का मान रखेंगे तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन जीरो के ए हो जाएगा, ठीक है, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन जीरो के ए, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन जीरो के ए अपॉन डी हो जाएगा। यदि माध्यम का मान क्या है, माध्यम के इक्वल टू वन है वायु अनिर्वात में, तो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो ए डी है, ठीक है। यही समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक है, ठीक है।